नमस्कार, गिरिडीह का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सर के ताजा तरीन खबरों के साथ महमीदा विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज के सुर्खियों पर। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल तक लाने के लिए किया गया मॉक ड्रिल। जिला स्तरीय रैपिड रिस्पॉन्स टीम ने पालगो पंचायत में मॉक ड्रिल कर संदिग्ध संक्रमित को लाया अस्पताल। गिरिडीह विधायक ने गिरिडीह विधानसभा क्षेत्रों में सैनिटाइजर वाहन करवाया उपलब्ध। संकीर्ण गलियों में जाकर किया जाएगा इलाकों का सैनिटाइज। पशु चारा महंगा होने से पशुपालक हुए परेशान। बैठक कर प्रशासन से सस्ता चारा उपलब्ध करवाने का किया मांग। और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 8 अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन पढ़ाई। स्कूल ट्री ऐप के माध्यम से ली जाएगी कक्षाएं। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन सजग और तैयार है। इसी के मद्देनजर जिला स्तरीय रैपिड रिस्पॉन्स टीम ने पालमा पंचायत में मॉक ड्रिल किया। कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन सजग और तैयार है। किसी भी इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर उसको अस्पताल तक लाने के लिए जिला स्तरीय रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। टीम ने मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर उससे निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल के लिए पालमो पंचायत को चुना गया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा के नेतृत्व में जिला स्तरीय रैपिड रिस्पॉन्स टीम ने सूचना पाते ही परिसदन भवन से पालमो पंचायत के लिए पूरी तैयारी के साथ पहुंची और पूरा गांव को 3 किलोमीटर तक की रेंज तक कर्फ्यू लगाया गया। इसके बाद पूरा गांव को सैनिटाइज किया गया और संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति को मॉक ड्रिल के तहत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई और एम्बुलेंस से आइसोलेशन सेंटर भेजा गया और मॉक ड्रिल के तहत परिवार वालों को दूसरे एम्बुलेंस के माध्यम से क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। इसके बाद पूरा गांव को सील कर दिया गया। पूरे जिला प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। कोई भी घबरा ली जाएगी। अनुरोध है कि टीम को सहयोग करेंगे, घबराए नहीं। जिला प्रशासन आपके साथ है। आदेशा अनुसार जिला प्रशासन गिरिडीह। कर्मचारी को, हर रोजगार सेवक को, हर कर्मचारी को, हर सुपरवाइजर को कराया गया है। एक्चुअल इंसिडेंट वाले दिन आपको पीपीई, N95 मास्क, ग्लव्स और बाकी जो प्रोटेक्टिव आइटम्स होते हैं वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस दौरान गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा ने विप्र भी किया। हमारी आती है सबसे ज्यादा, अगर हमारे जिले में कोई कोविड का पेशेंट आ जाता है तो ऑलरेडी 17 सैंपल्स भेजे गए थे संदिग्ध पेशेंट्स के, लेकिन वह सभी निगेटिव निकले। गिरिडीह के लिए राहत की बात है। 13 और सैंपल्स आज भेजे गए हैं, उसके कुछ भी रिपोर्ट्स आ सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो अब जिम्मेवारी यह बनती है, अगर जैसे ही कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है या अगर पूरे जिले में किस तरह का आउटब्रेक हो जाता है तो हम लोग का क्या नेक्स्ट गतिविधि रहेगा। तो उसके आलोक में डिस्ट्रिक्ट का एक कंटेनमेंट प्लान बनाया गया है और साथ साथ में सारे प्रखंडों में भी सब माइक्रो कंटेनमेंट प्लान्स बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कंटेनमेंट प्लान के तहत जिला स्तरीय एक टीम रहेगी जिसमें कि पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी तथा मेडिकल टीम रहेगी, जो कि तुरंत में जहाँ पर भी यह कोविड पेशेंट की सूचना मिलती है उसके गांव में जाकर रश करते हुए 3 किलोमीटर, उसके घर को एपिसेंटर मानते हुए 3 किलोमीटर के रेडियस को
कंटेनमेंट जोन के रूप में डिक्लेयर करेगी, और सबसे पहले इस कंटेनमेंट जोन में जाते के साथ ही कर्फ्यू लगा देना है, 144 लगा देना है, इसका प्रॉपर अनाउंसमेंट कर देना है कि कोई भी लोग इस गांव से बाहर नहीं जाएंगे, इस गांव के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। वहां पर एक टीम को डेलीनेट कर दिया जाएगा जो कि सामान्य सामग्री आपूर्तियों का ख्याल रखेगा। इसके साथ ही इस पूरे गाँव में फायर ब्रिगेड तथा कृषि विभाग के मदद से पूरा सैनिटाइजेशन किया जाएगा, गली मोहल्लों में ब्लीचिंग का छिड़काव, हाइपो का छिड़काव किया जाएगा। इसके साथ साथ हर एक 50 घर पर एक एक मेडिकल टीम बनाई जाएगी, जिसमें कि एनएम, सहिया, सेविका, एमपीडब्ल्यू, जनसेवक, राजस्व कर्मचारी, वहाँ के वार्ड प्रतिनिधि इत्यादि रहेंगे और पुलिस ऑफिसर्स के साथ। और इन सब टीमों का दायित्व रहेगा कि मान लीजिए कि उस गाँव में 250 घर हैं तो 50-50 घर में जाकर हर एक व्यक्ति का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उस कोविड पेशेंट के साथ करें, और डिपेंडिंग अपॉन कि क्या उसके लक्षण आते हैं, आइदर उसको होम क्वारंटाइन करें या स्टेट क्वारंटाइन सेंटर में लाए या आइसोलेशन में लाए या फिर कोविड हॉस्पिटल में लाए। इसके साथ साथ उस पूरे क्षेत्र में एक तत्कालीन मेडिकल कैंप भी बिठा दिया जाएगा, जिनको भी संदिग्धता जिनके बारे में पता चलती है तो उसका वहीं पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करा दिया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन उसका कैसा स्टेटस है उसको फिर आगे के हॉस्पिटल्स में लाया जाएगा। सील से तात्पर्य ये है कि उस गांव से कोई आदमी बाहर नहीं जाए और बाहर का कोई आदमी उस गांव में नहीं आए। कहने का तात्पर्य ये है कि उस गांव में इन्फेक्शन है, बीमारी फैल चुका है, हम लोग प्रसार को रोकना है। इसीलिए अपना जैसे कि पहले गाँव प्रचार प्रसार बैक अनाउंसमेंट हो गया, उसके बाद घर भी ट्रेस हो गया, उससे पहले ही जो पुलिस के लोग होंगे वो उस गाँव के जो अप्रोच रूट है, जो एग्जिट रूट है और जहाँ जहाँ से लोग के आने जाने संभावना है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देगा। मैसेज क्लियर है? गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू द्वारा सड़क पर सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइज वाहन दिया गया। अब मुख्य सड़क के अलावा गलियों का सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर विधायक सुदीप कुमार सोनू द्वारा सैनिटाइजर मुक्त ट्रैक्टर दिया गया, जिसके जरिए विधानसभा के सभी गलियों को सैनिटाइज किया जाएगा। मंगलवार को इसकी शुरुआत झाबुमो कार्यालय से की गई। इस बाबत विधायक ने कहा कि सैनिटाइजेशन से विभिन्न गलियां छूट जा रही थी, इसी के मद्देनजर ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई है। मौके पर गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, झाबुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह आदि मौजूद थे। एक बार सड़क का दोनों हिस्सा हम लोग सैनिटाइज करते हैं। हाँ तो निकल निर्मल जी व्यवस्था कर दी है वहाँ। हाँ 100 लीटर से निकल आ जाएगा, 5 लीटर पर डे हमने कलर होगा परसों से किए और स्टार्ट करते हैं इसको प्राइवेट तौर पर आज शाम तक चला के देख लेते हैं। पार्टी के सौजन्य से एक विषाणुरोधी छिड़काव के लिए टैंकर और ट्रैक्टर फुल इक्विप्ड पूरा केमिकल के साथ गिरिडीह की जनता को समर्पित किया है। हमारा यह मानना है कि कोरोना जैसी आपदा में सिर्फ सरकार के भरोसे लड़ाई जीतना संभव नहीं है, हर नागरिक को हर व्यक्ति को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी चाहिए और अपना योगदान करना चाहिए कि इस महामारी से देश राज्य को बचाया जा सके। तो हम लोगों का एक छोटा प्रयास है, इसमें इस प्राइवेट तौर पर अगर हम सफल होते हैं तो इसके उपरांत हम लोग पुनः और ट्रैक्टर बढ़ाने का और गली कूचों तक, क्योंकि फायर ब्रिगेड के द्वारा जो छिड़काव हो रहा था वह सिर्फ सड़क के शहर के मुख्य सड़कों तक था, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि ट्रैक्टर के माध्यम से उससे छोटी सड़कों तक पहुँच कर हम लोग छिड़काव कर सकें और सैनिटाइजेशन से जनता को सुरक्षित करने का एक प्रयास। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर द्वारा भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जा रही है। 8 अप्रैल से स्कूल ट्री ऐप के माध्यम से नर्सरी से लेकर कक्षा 10 तक के लिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए स्कूलों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जा रही है। सीबीएसई के निर्देश पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में भी 8 अप्रैल से ऑनलाइन कक्षा शुरू कर दी है। स्कूल ट्री ऐप के माध्यम से नर्सरी से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इस बाबत विद्यालय के प्रधानाचार्य
संजीव कुमार ने मंगलवार को शिक्षकों के साथ विद्यालय प्रांगण में बैठक कर ऑनलाइन पढ़ाई की तैयारी की समीक्षा किया। बैठक में राजीव रंजन, विकास कुमार, राजेंद्र लाल बर्नवाल, नागमणि सिंह, राम प्रवेश पांडे एवं मुकेश कुमार उपस्थित थे। बंधु सप्रेम नमस्कार। अपने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, आपकी इस कोरोना वायरस में घर पर रहने और सुरक्षित रहने की सलाह देती है और आपके स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देती है। अपने विद्यालय में इस कोरोना वायरस के कारण से अभी जो लॉकडाउन है, उसके द्वारा अपने आचार्यों के अथक मेहनत से अपने भैया बहनों को अध्ययन के लिए लाइव वेबसाइट के द्वारा, स्कूल ट्री के द्वारा शिक्षा देने का कार्य 8 तारीख से करने जा रही है। भाजपा नेता भी जरूरतमंदों के बीच मदद पहुंचा रहे हैं। गिरिडीह के पूर्व विधायक के द्वारा सीहोडी और अशोक उपाध्याय के द्वारा नौखा पंचायत क्षेत्र में राशन का वितरण किया गया। लॉकडाउन में भाजपा नेता भी अपने स्तर से जरूरतमंदों के बीच मदद पहुंचाने में जुटे हैं। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाबादी के सहयोग से पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीहोडी इलाके में जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया। इधर भाजपा नेता अशोक उपाध्याय ने सदर प्रखंड के नोखा पंचायत के मांझीदी गांव में आदिवासी गरीब परिवारों के बीच राशन का वितरण किया और ग्रामीणों को कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जागरूक भी किया गया। एक बैठक मंगलवार को शास्त्री नगर में हुई। बैठक में लॉकडाउन में पशु चारे की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर रोक लगाने की मांग की गई। लॉकडाउन में पशु चारे की घोर किल्लत हो गई है, जिसके कारण काला बाजारी जोरों पर है, जिससे पशुपालकों की समस्या बढ़ गई है और डेयरी उद्योग चौपट होने के कगार पर है। दुग्ध विक्रेताओं ने मंगलवार को बैठक कर जिला प्रशासन तक अपनी समस्या पहुँचाने का प्रयास किया। दुग्ध विक्रेताओं ने कहा कि पशु चारे में महंगाई ऐसे ही हावी रही तो पशुपालक दिवालिया हो जाएंगे और पशुओं को खुला छोड़ देना पड़ेगा। उन्होंने जिला प्रशासन से उचित मूल्य पर पशु चारा उपलब्ध करवाने की मांग की है। जिला प्रशासन से यही आग्रह है कि हम लोग चुन्नी कुट्टी बिचाली का जो दर है सो डबल हो गया है, उसको जरा सा सही ढंग से सही मूल्य पर निर्धारित किया जाए, जिसका लिखित में हम लोग कागज दिया जा रहा है और लिखित में कागज साहब को दिए हैं और भी देंगे। और तमाम दूध विक्रेताओं का जो जिंदगी है, सब दूध बेच के ही जिंदगी गुजारा जाता है। चुन्नी खली का ज़्यादा दाम बढ़ जाने से सब कोई परेशान हो गया है और इस परेशानी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा। ये महामारी का जो प्रकोप है, जिसके कारण जो दूध बेचता था बाहर, वो बाहर भी नहीं बेच पा रहा है, जिसके कारण औने पौने दाम में यह दूध बेचा जा रहा है। और हम लोग का हालत देखिए, बाल बच्चा सब का कैसा हालत चल रहा है, सो बहुत परेशानी सब जी रहे हैं। इसी हिसाब से आग्रह है कि हम लोगों का दुख दूर किया जाए और जानवर का चारा का मूल्य सही सही दुकानदारों को बोला जाए कि सही सही रेट लिया जाए। 200-300 रुपये प्रति बोरा जो लिया जा रहा है वो गलत है। हम लोग का हालत बहुत ख़राब है, महामारी शिकार तो हम लोग पहले हो जाएंगे अगर इस तरह महंगाई रहा तो। देखिए, समस्या हम लोगों का यही कि हम लोग पशुपालक हैं, जानवर को पालते हैं और दूध बेच के हम लोग गुजारा बसर करते हैं, लेकिन सामान का दाम इतना ना बढ़ा गया, चोकर चुन्नी खली कुट्टी नवारी सब कुछ का, कि हम लोग का अति करने लगा है। 5 रुपये का कुट्टी 10 रुपये, चोकर 1000 रुपये का 1300-1400, जिसको जो मन बुझाता है लेता है। और मोनोपोली ऐसा बना दिया है कि वो सीधे बोल देता है मालिन ने, जब पैसा फेंकेगा तो माल दुकान यहाँ गोदाम कहीं और है, वहाँ से माल निकाल कर देंगे, और जो पैसा बोलेगा 50 रुपये कम कीजिए 10 रुपये कम कीजिए तो बोल देगा माल नहीं। तो इस तरह हम लोग को जानवरों का गुजर बसर कैसे कर सकेंगे। अगर यही स्थिति रहा तो फिर हम लोग जानवर को छोड़ देना पड़ेगा। अब पिच रोड में जानवर खुला घूमेगी रोड पर, कभी कभी तो लगता है कि जानवर को रोड पर ले जाकर बांध दें। हम लोग जब यही दशा रहेगा तो हम लोग कहाँ से खिला सकेंगे। दूध तो अभी होटल सब जगह बंद है, दूध कम रेट में बिक रहा है, उसके बाद सामान का दाम डबल हम लोग को लग रहा है, डबल मार हो रहा है ना, तो
तो इसलिए इस हिसाब से आग्रह है कि हम लोगों पर जरा जल्द से जल्द ध्यान दें। कोरोना महामारी के बीच सैकड़ों पुलिस के जवान चिलचिलाती धूप में भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। मंगलवार को तिरंगा चौक के युवाओं ने ड्यूटी पर तैनात जवानों के बीच मास्क, पानी आदि का वितरण किया। कोरोना महामारी के बीच सैकड़ों पुलिस के जवान चिलचिलाती धूप में भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है और लॉकडाउन की अवधि में लोगों को घरों में रहने के लिए अपील कर रहे हैं। मंगलवार को तिरंगा चौक के युवाओं ने ड्यूटी में तैनात इन जवानों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, पानी और नाश्ता का वितरण किया। शुभम शर्मा, सौरभ शर्मा, सुमित सरस्वत, गौरव जैन सभी आज हम पुलिस कर्मियों को सेवा देने निकले हैं। आज वो हमारे देश के लिए जी जान लगाए हुए हैं, अपने घर परिवार से दूर वो हमें हमारी जनता को सेवा दे रहे हैं। इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। और हम सब नागरिक को इस कोरोना को दूर करना है और अपने देश से दूर भगाना है और हमें सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। और इसके लिए हम सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि इसका पालन करेंगे और सभी पुलिस कर्मियों को सपोर्ट करेंगे। पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने कोरोना वायरस को भगाने के लिए हवन यज्ञ किया और भगवान से विश्व कल्याणार्थ प्रार्थना किया। पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने कोरोना वायरस को नाश करने के लिए हवन यज्ञ किया। सिरसिया स्थित आवास पर पूरे परिवार के साथ मंत्रोच्चारण कर इस महामारी से बचने के लिए हवन किया और भगवान से विश्व कल्याणार्थ प्रार्थना किया। दारिद्रो ओ महामृत्युंजय नमः। जगत का कल्याण हो, पूरे जगत को इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ऋषि मुनियों का देश है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना जैसी महामारी से भी विजय प्राप्त कर विश्व गुरु बनेगा। आज तारीख को जो दीप प्रज्वलित करके जो लोगों प्रधानमंत्री का जो घोषणा था उसके अनुसार सभी लोगों ने जो किया उसको बहुत बहुत बधाई देंगे सभी जनता को और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को संपूर्णतः सफल उन्होंने बनाया। साथ ही साथ आज हम हवन कर रहे हैं, इसलिए हवन कर रहे हैं कि कोरोना का महामारी कोरोना जो फैला हुआ है उस कोरोना का नाश हो और विश्व का कल्याण हो, इसलिए हम लोग आज यहाँ हवन कर रहे हैं। और इस हवन के माध्यम से लोगों से आग्रह करते हैं कि आप अपने अपने घरों में रहें तभी कोरोना का नाश होगा। आप लोग अपने अपने घर में रहें, घर से बाहर नहीं निकलें। और हम लोग इस बात के लिए अभी यहाँ पर हवन कर रहे हैं। हवन के माध्यम से इस माँ दुर्गा और प्रभु रामचंद्र, भगवान रामचंद्र जी जिन्होंने असुरों का संहार किया था उनका हवन कर रहे हैं ताकि सभी कोरोना का जो यहाँ फैला हुआ है उसका। लॉकडाउन के मद्देनजर गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन ने भी जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया। इस दौरान 80 लोगों को राहत सामग्री दी गई। कोरोना महामारी को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन है। गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन भी इस आपदा की घड़ी में जरूरतमंदों के मदद के लिए आगे आए हैं। मंगलवार को महुआ टाड़, बरमोरिया, खुटवा ढाप में 80 लोगों के बीच चावल, आलू आदि चीजों का वितरण किया। मौके पर रामजी प्रसाद यादव, मोइन चांद, सुरेश सिंह, मोहम्मद कयूब अंसारी, संजय सिंह, शंभू राम, तुलसी मरिक,
मोहम्मद इरफान, जगदीश दास, विनोद दास, नरेश राय आदि लोग मौजूद थे। जैसा कि हमारे साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रामजी यादव जी ने बताया, सरकार द्वारा जो लगाया गया पहल, ये जो लॉकडाउन है, उसको हम लोग पालन करते हुए हम साउंड यूनियन के सभी साथियों ने ये निर्णय लिया कि लॉकडाउन होने पर कुछ गरीब लोगों को खाने पीने के सामग्री में बहुत तकलीफें आ रही है, और उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए हमारे जिला साउंड एसोसिएशन के तरफ से आज उन गरीबों के यहाँ चावल वितरण का कार्य कर रहे हैं, जिनके यहाँ पर खाने के लाले पड़ गए हैं। और विगत जितने भी जिस प्रकार के आपदा आती है, उस समय हमारा साउंड एसोसिएशन हमेशा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि उन गरीबों के यहाँ, जिनके यहाँ चावल, दाल, आलू, नमक नहीं हो, उसके यहाँ हम लोग पहुँचाएँ, ताकि हमारे देश के सभी साथी, सभी वर्ग के लोग भूखा ना रहे। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलते अगले मुख्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।